दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया और विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा, सांसद जगदम्बिका पाल तथा दक्षिण बिहार गया के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति व प्रोफेसर के एन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर तथा माता सरस्वती की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भारत की ज्ञान परंपरा को कई दशकों से शिक्षित करती आ रही है। पूरी दुनिया में जब कहीं जाता हूं तो मेरा परिचय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में कराया जाता है। उन्होंने कहा कि कई दीक्षांत समारोह में शामिल होने का मौका भी मिला है। पुरातन छात्र सम्मेलन में एक पुरातन छात्र के रूप में जोड़ने वाले इस अनुभव से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से डिस्टिंग्विश एल्यूमिना ई अवार्ड को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूं। पुरातन छात्र सम्मेलन आदर्श मंच है जो शिक्षकों साथियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद स्थापित होने वाले इस विश्वविद्यालय की नींव पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रखी। महंत दिग्विजयनाथ ने दो कॉलेज को दान किया और आगे चलकर विश्वविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह और एल्यूमिनाई सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा, जुड़ेंगे वो अपने साथ के लोग होते जाएंगे इस तरह से। चेतना का प्रतीक है यह दीप, निरंतर त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ज्ञान और विद्या के परिसर में दीप प्रज्वलन साधना एवं संकल्पों की निरंतरता का प्रतीक है। यह पैदा करता है दीप की प्रातन छात्र और यहाँ के विद्यार्थी रहे श्री जगदम्बिका पाल जी जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। Thank you.
यही के भी स्नातक हैं और विद्यार्थी और माननीय लोकसभा सदस्य दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हूँ। मैं इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे कुल के लिए स्वागत कुशल खुशी का अवसर है कि आज 1 मई 1950 72 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय की शिलान्यास रखा गया था। उसके 6 साल बाद 1956 में विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ था। उस स्थापना दिवस पर हम लोग आप सभी लोग एकत्रित हैं अपने पूर्व छात्रों के नाम संस्थान के आत्मीय संबंध स्थापित करने के उनके अनुभवों को स्मृत होने के उनकी समस्याओं को सुनने सुनने की आशा के साथ हमने फर्स्ट एलुमनी नेशनल एलुमनी का आयोजन किया है। इससे पहले भी हमने 1 मई 2021 को इसका एक प्रयास किया था कि हम एलुमनी मीट कर सकें, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग नहीं कर पाए। तो ये दूसरा अटेम्प्ट था। हमने इसको इंटरनेशनल एलुमनी मीट की एक तैयारी कर रहे हैं जो कि हम 5 से 7 नवंबर में करेंगे। और चूंकि स्थापना दिवस को हम लोग ने एक ट्रेन सेटर बनाया है जिस दिन हम लोग एकत्रित होंगे और हम लोग एलुमनी को एकत्रित करेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि जो भी विश्वविद्यालय के लिए सोच सके, आगे आ सके, बातें कर सके। इसी सिलसिले में लगभग हमने अनुरोध किया था सभी डिपार्टमेंट से कि आप सभी 20-20 डिस्ट्रीब्यूशन एलुमनस आप लोग रिकमेंड करें। तो लगभग 32 डिपार्टमेंट है जो 640 डिस्ट्रीब्यूशन एलुमनस का डेटा आया था और उसमें से करीब 140 हम लोग ने और एकत्रित किया गया। तो 600 डिस्ट्रीब्यूशन एलुमनस में से एक चयन समिति के माध्यम से हमने 34 डिस्ट्रीब्यूशन एलुमनस आइडेंटिफाई किए जिनको हम आज अवार्ड करेंगे। सर्वश्रेष्ठ माननीय राजनाथ सिंह जी जो हाईटेक बोर्ड में हमसे जुड़े हुए हैं, मंच पर बैठे हुए एक सफल और कुशल सभी के चित्त परिचित इस विश्वविद्यालय के एक एलुमनाई माने जगदंब का पाल जी और एक विशिष्ट व्यक्तित्व इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति माननीय सलील राय जी, सामने बैठे हुए किसका नाम लूं किसका छोड़ूं, मैं देख रहा हूं इतने चीख प्रचीत चेहरे आ रहे हैं। प्रोफेसर रामचंद्र सिंह साहब हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जिनके साथ रहकर के कुछ सीखने का अवसर मिला, गुरु की ही परंपरा मेरे स्कूल में चल रहे हैं इसलिए उन्होंने 45-45 मिनट का एक लेक्चर पूरा दोनों हमारे वाइस चांसलर का सुना। हमारे लॉर्ड जस्टिस जिस तरह के निर्णय करते हैं उन निर्णयों की तरह से आप लोगों ने कहा, लेकिन मेरी बाध्यता मेरी नेता है और मैं पुरातन छात्र का इसमें सबसे अकिंचन इकाई हूँ, तो इसलिए मैं केवल सारे अलुमनाइज की तरफ से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दूंगा जिससे ये कनेक्ट हो जाए कि अगर चित्रा सोच रहे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ या हमारे तमाम जो अलुमनाइज हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आगे राजनीति की तरफ से बोल रहा हूँ कि आज ये पहली बार जो प्रयास प्रोफेसर राजेश जी वाइस चांसलर ने शुरू किया है, सबसे पहले तो हम उनको इस बात का आभार और बधाई देते हैं कि शायद ये अगर एलुमनाई मीट नहीं होता तो इस छत के नीचे न जज साहब होते न प्रोफेसर देवजी होते न जगदम्बिका पाल और न आदरणीय राजनाथ जी। और मैं राजनाथ जी को जब एनबीओन हॉस्टल में थे मैं भी था तब से जानता हूँ और आज वो देश के रक्षा मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में, और जिस तरह से वो आज देश के गौरव को बढ़ा रहे आपको एक लाइन में कहना चाहता कि जब वो भारत के लिए रफाइल चित्रण बहुत चलाएगा रफाइल प्लेन लेने गए फाइटर और रफाइल लेके आ रहे थे तो देश का चाहे किसी कन्याकुमारी से कश्मीर में बैठा हुआ कोई नागरिक था ऐसा रोमांचित हो रहा था कि ये रक्षा मंत्री ये रफाइल फाइटर प्लेन नहीं लेने जा रहे हैं बल्कि देश की सीमाओं पे अगर चाइना या पाकिस्तान कभी आग उठाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने वाला कोई फाइटर प्लेन नहीं।
इस समय पूरे देश ने उनका स्वागत किया होगा, अपने घरों में बैठ करके उनका स्वागत किया होगा, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय राजनाथ जी का। लेकिन वो स्वागत भी, वो सम्मान भी उनको, या चाहे जजेस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में भी सम्मान मिल जाए, या हमको कहीं मिल जाए देश के अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, यूनाइटेड नेशन से दुनिया की कॉन्फ्रेंसेज में भी हम लोग भी जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ राजनाथ जी को भी, जैसा आपको भी, मुझको भी, आज यहाँ जो सम्मान मिल रहा है उसके आगे वो कोई सम्मान नहीं है। यही सबसे शुचिता और पवित्रता को बनाने का काम है। ये व्यक्ति तो तराशा है, चाहे प्रोफेसर रघुवीर सिंह की हों, प्रोफेसर रामचंद्र सिंह की हों, या प्रोफेसर उदय राय राय की, ये सब अस्तंभ थे, सशक्त हस्ताक्षर थे। जबकि मैं छात्र राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ पढ़ने लिखने वाला भी युवक था। ये याद है मेरे तेवर काफी तेज हुआ करते थे, मगर मैंने अपनी ऊर्जा और तेवर का कभी बेजा इस्तेमाल नहीं किया। भैया पढ़ रहा था वहां पर विश्वविद्यालय में, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सार्वजनिक सभा को भी अकेले ही मैंने डिस्टर्ब किया। विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर कई बार धरना भी मैं दिया। यदि मैं सारी चीजों का स्मरण करूं तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसकी चर्चा इस समय करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, यही कारण है कि छात्र राजनीति के होने के बावजूद मेरे रेस्पॉन्सेस कभी भी नुआंस नहीं थे, न्यूसेंस से भरे हुए नहीं। मेरा मानना है कि अपने बीएस से जुड़ने के बावजूद साल में एक बार हमें पुरानी यादों को ताजा करने और पुराने रिश्तों को खींचने के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा करने से जैसे कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, एलुमनाई मीट एक आदर्श मंच है जहां हम सब अपने साथियों और शिक्षकों से जुड़ी पुरानी यादों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब याद भी आए कि कैसे यहां अध्ययन करते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते थे और चिंता भी करते थे। हालांकि सबको काफी लंबा समय हो गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात, शायद किसी ने सही कहा है कि मेमोरी है मैजिकल वे टू ब्रिंग बैक द फेवरेट यस्टरडेज, यानी यादों में जीवन के सुनहरे पलों को वापस लाने की एक ताकत होती है। पर मुझे याद है वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ना उस समय पूरे पूर्वांचल के युवकों का एक सपना होता, और आज की पीढ़ी को शायद ही यह बात पता होगी गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला यह पहला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ जी पंत ने रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में गोरखपीठ का भी बहुत बड़ा योगदान, तत्कालीन गोरखपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उन्होंने इसके निर्माण के लिए सहयोग के तौर पर अपने दो कॉलेजों का भी दान किया। बाद में 1997 में जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब इस विश्वविद्यालय का नाम महान विचारक, राष्ट्रवादी चिंतक और संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। मैं मानता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम होना ही यहां के छात्रों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा है। मैं मानता हूं कि ऐसी विरासत या लेगेसी यूं ही नहीं बन जाती, उसके लिए बहुत ही परिश्रम और साधना करनी पड़ती। आज हम सब जब एक नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, हमें एक बार पीछे उठके जरूर देखना चाहिए कि कैसे हर क्षेत्र में हमारे लोगों ने अपने डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन और कमिटमेंट से राष्ट्र को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। और आज जब हम भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, हमारे लिए हमारे श्रमिक भाइयों का परिश्रम भी प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होना चाहिए। पहली मई है इसलिए इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं, और आज का दिन पूरे
का देश पर लेबर डे या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज ही के दिन विश्वविद्यालय की एक मिलाई मीट भी हो रही है। आज इस मौके पर मैं भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले अनगणित श्रमिकों के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को भी मैं नमन करता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय की पहली अलुमनाई मीट थी, नेशनल अलुमनाई मीट, और इसमें आज चीफ गेस्ट हमारे डिस्टिंग्विश्ड अलुमनस श्री राजनाथ सिंह जी थे और बहुत सारी करीब हमने 34 डिस्टिंग्विश्ड अलुमनस अवार्ड दिए, जिसमें 3 जज हैं, 2 मीडिया के लोग हैं, 5-6 वाइस चांसलर हैं, 5 NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो अमेरिका से आए हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट हो रहा है जो आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय में प्लेटफॉर्म बनेगा और जिससे हम उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। जो विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें यही होता है, जो अलुमनाई इसके होते हैं उसको मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जी, इस तरह की स्टेट यूनिवर्सिटी, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी जो और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थ्रू आउट इंडिया, उनमें एक रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है हर यूनिवर्सिटी में, तो ये एक रिसोर्स जनरेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हम रहा। अब शाम को हर फैकल्टी लेवल पे अलुमनाई मीट होगा। सर, पौधारोपण भी किया गया? हाँ, सभी जितने डिस्टिंग्विश्ड अलुमनस थे उनके नाम से पौधारोपण किया गया, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। जी, पुरातन में जो सम्मानित किया गया। हाँ, मैंने बताया ना, डिस्टिंग्विश्ड अलुमनस अवार्ड से 34 लोगों को नवाजा गया है, उसमें 3 जज हैं, राजनाथ सिंह हैं, जगदम्बिका पाल जी हैं, 5-6 वाइस चांसलर हैं और साइंटिस्ट हैं, NRI हैं, 3 NRI हैं, एक ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नारायण हैं। तो इस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट सेल में सवाल किया। मैं प्रोफेसर SK सिंह, एलमिनाई सेल का प्रेसिडेंट, उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय गोरखपुर की यह फर्स्ट नेशनल एलमिनाई मीट जो कल से ही शुरू हुई है, यद्यपि आज उद्घाटन सत्र आज था क्योंकि कल कुछ कार्यक्रम कल भी थे, 3 फैकल्टी के कल कार्यक्रम लगे थे जिसमें कल एक अलग से स्पेशल कार्यक्रम जो है जस्टिस राहुल चतुर्वेदी जी आए थे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से और 3 और कार्यक्रम हुए थे। आज ये उद्घाटन सत्र में हमारे मंच पर जो 2-2 हाईकोर्ट के जजेस, केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और राजनीति के क्षेत्र में माननीय सांसद जी जगदम्बिका पाल जी, ये पुरातन छात्र सम्मेलन किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अपने आप में एक गौरव का विषय होता है क्योंकि 70 सालों से अधिक पुराना ये विश्वविद्यालय जिसने 7 विश्वविद्यालय दिया, वर्तमान में यहाँ 5 वाइस चांसलर हैं इस विश्वविद्यालय से और दर्जन भर से अधिक पूर्व वाइस चांसलर हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ये पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भूगोल से MA किए थे, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी जो गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, वो भी भूगोल से PG किए थे। RK चतुर्वेदी जी जिनको जुड़ना था किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, वो भूगोल के टापर रहे हैं, 39 साल पहले उन्होंने MA टाप किया था ज्योग्राफी में। ये कुल मिलाकर अगर हम पूरे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के संदर्भ में देखें तो बड़ी समृद्ध हमारे पुरातन छात्रों की परंपरा है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे सांसद, बहुत से विधायक, बहुत से MLC इसी क्षेत्र के, चूँकि ये पूर्वांचल का सबसे पुराना स्वतंत्रता के बाद का पहला विश्वविद्यालय है, इसका परिक्षेत्र जो है पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज इसमें से 7 विश्वविद्यालय हो गए हैं जिससे अब 3 जनपद को ये कवर करता है। और ये माननीय कुलपति जी ने ये एक पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित करके ये शुरुआत की है और ये एक दीप जला है। निश्चित तौर पर यह लगातार हर वर्ष इस तरीके से कार्यक्रम होते रहेंगे और ये भव्यता को प्राप्त करता जाएगा।